गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने इमामगंज डुमरिया प्रखंड का औचक निरीक्षण किया, जिसमें इमामगंज पीएचसी बीआरसी मध्य विद्यालय इमामगंज के सामुदायिक किचन एवं डुमरिया के पीएचसी कोविड केयर सेंटर मैग्रा आईटीआई के अलावा मध्य विद्यालय डुमरिया के सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवाई की जाँच, सामुदायिक किचन के खाने की गुणवत्ता की जाँच, इसके अलावा साफ सफाई की भी जाँच की। साथ ही कहा कि आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक किचन की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित ने इमामगंज डुमरिया पीएचसी में किट के द्वारा कोरोना की जांच कराई गई। आधार नहीं है तो जो भी उसका आइडेंटिटी नंबर हुआ है, कुछ नहीं है तो फोटो, ठीक है ना, इसका ऑडिट होने वाला है, अभी सब ऑनलाइन एंट्री करना है, भरवा दीजिए आप लोग, सबका आधार है, कल से भी और वो सेम ही आदमी घर भी आ रहा है, उसका आधार एक आदमी का चेक हुआ जाता है, अभी कराइए ना आदमी जी, थोड़ा रात में तबीयत खराब हो गई है, नए ज्वाइन किए हैं जी, शेरघाटी इमामगंज और डुमरिया विजिट किए हैं, और डुमरिया में आज मैंने मैगरा में आईटीआई मैगरा में जो सीसीसी बनाया गया है, आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, और साथ में जो पीएससी मैगरा है जहां पर टेस्टिंग का और वैक्सीनेशन का व्यवस्था है, और यहां सामुदायिक किचन, इसको देखा है और विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध होगा डुमरिया वासियों से कि किसी भी तरह के लक्षण को हल्के में ना ले, सर्दी खांसी जुकाम फीवर कुछ भी होता है, बुखार होता है, उसको तुरंत जो पीएससी पे हमारी व्यवस्था है वहाँ पर तुरंत आके टेस्ट करवाएं, और अगर आपके परिवार में किसी कोई अगर पॉजिटिव है तो आप सभी लोग टेस्ट कराएं, और तुरंत दवाएं शुरू करें जो सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर दवा फ्री में मिलती है, और दवा शुरू करें। प्रतिदिन आपको कॉल्स जाएगा इस हमारे कंट्रोल रूम से, और अगर कहीं पे किसी को समस्या बढ़ती है तो तुरंत यहाँ पर एडमिट हो जाए, आईटीआई मैगरा में है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, डॉक्टर तीनों पालियों में है, नर्सेज हैं वहाँ पर, खाने की व्यवस्था है, वहाँ पर एडमिट हो जाए और वहाँ पर आपको ऑक्सीजन और बाकी व्यवस्थाएँ दी जाएंगी। अगर कोई सीरियस होता है तो वहाँ से सीधे उनको अनुग्रह नारायण भी हम लोग भेज सकेंगे। पैनिक या घबराने की बात नहीं है, लेकिन साथ ही में इसको बहुत नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इसमें झिझकना नहीं है, टेस्ट कराएं आप लोग आगे बढ़कर, और ये सुनिश्चित करें कि जो सही डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर भरोसा करें, झोला छाप या अन्य जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रभाव में नहीं आएँ, क्योंकि बहुत बार टाइफाइड का हम सुन रहे हैं कि लोगों के द्वारा इलाज कर दिया जा रहा है, कई जगह लोग सर्दी खांसी का इलाज कर रहे हैं, बट कई बार वो कोरोना है, तो कोरोना का इलाज सही समय पर हो जाएगा तो बहुतों की ज़िंदगी हम लोग बचा सकते हैं। इमामगंज में जाँच की गई है, इमामगंज में भी जाँच की गई है, इमामगंज में भी यही सब दिशा निर्देश दिए गए हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई जगहों से अब बहुत कम केसेज आ रहे हैं, बट जो लॉकडाउन है उसका सभी लोग अगर अनुपालन करते हैं, घरों के अंदर रहते हैं और मास्क का उपयोग करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्षेत्र बहुत जल्दी इस कोरोना के प्रभाव से बाहर हो पाएगा। सर, सामुदायिक किचन जो बना है सर, कुछ ऐसा जगह है जो पहाड़ी क्षेत्र के मजदूर हैं, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो वैसे एक दो और खोलने की जरूरत, आवश्यकता अनुसार वीडियो को ये दिया गया है, अगर वीडियो को लगता है कहीं और भी ऐसा सफिशेंट लोग हैं, 100-150-200 तक लोग हैं जिनको की आवश्यकता है खाने की प्रतिदिन, तो एक्स्ट्रा भी खोले जा सकते हैं।